शुमार। और आज बात करने जा रहे हैं फॉसिलाइजेशन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे फॉसिलाइजेशन क्या होता है, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती हैं और फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉसिल क्या होती हैं। दिस इज द प्रिजर्व रिमेन और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट। किसी भी एनिमल या प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिमेन्स, जो कि पहले ऑर्गेनिज्म रह चुके थे उनके रिमेन्स, उनको क्या कहते हैं हम फॉसिल्स। Fossilization, it is the process by which the body of organism which gets converted to a fossil by gradual addition, replacement or petrification of organic material by inorganic material. ये वो process है जिसमें कोई organism एक fossil में convert होता है, जिसमें inorganic material जो होते हैं वो organic material के साथ या तो add हो जाते हैं या फिर उनकी जगह ले लेते हैं replacement या petrification, जिसमें अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल उसके साथ ऐड हो जाता है तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे फॉसिल कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, जिसे हम एक फ्लोशिप डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है तो वो डेड रिमेन्स जो उनके होते हैं उनको अगर हम इमीडिएट बरिड कर दें, यानी कि फौरन ही उनको दफन कर दें, तो उनके बरिड रिमेन्स के अंदर डायजेंसिस होते हैं, यानी कि फिजिकल या केमिकल चेंजेस आती हैं उनमें, जिसके बाद वो फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर एक्सपोज्ड रिमेन्स हो, एक्सपोज्ड रिमेन यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है उसको फौरन दफन नहीं किया गया, फौरन उसको बर्न नहीं किया गया, जैसे कि अक्सर डॉग्स वगैरह की या एनिमल्स की रोड पे डेथ हो जाती है तो पड़े रहते हैं, एक्सपोज्ड रिमेन्स होते हैं, तो फिर उन्हें कुछ देर बाद या काफ़ी अर्से बाद अगर बर्न किया जाता है तो उनके बर्न रिमेन्स में फिर डायजेंसिस होती है, यानी कि केमिकल्स या फिजिकल चेंजेस आती हैं जिनके बाद वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द फॉसिलाइजेशन। इसके बाद हम कंडीशंस देखते हैं फॉसिलाइजेशन के लिए जो रिक्वायर होती हैं, कि सबसे पहले बॉडी मस्ट बी रैपिडली बरिड इन नॉन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। बॉडी को नॉन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में बरिड किया जाता है जहां पर ऑक्सीजन ना पहुंच सके उनके इनऑर्गेनिक मटेरियल तक। दूसरी कंडीशन है कि इमीडिएट बरिड बाय फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री मटेरियल, इनको सेडिमेंट्री रॉक्स में बरिड किया जाता है। देन द सबसिक्वेंटली डिपोजिशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्री डिपोजिशन, तो जहाँ पे उनको बर्ड किया जाए उसके ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स की बहुत सी लेयर होनी चाहिए ताकि उसमें ऑक्सीजन अंदर एंटर ऑर्गेनिक मटेरियल तक ना हो सके। द एक्सपोजिशन ऑफ वाटर सो दैट द कंपैक्शन टेक्स प्लेस। एक्सपोजिशन का मतलब होता है कि फोर्सफुली किसी चीज़ को बाहर निकालना, तो वाटर को उसमें से निकाला जाए ताकि वो एक कंडेंस हो जाए और सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर ले। इसके अलावा जियोग्राफिक, टोपोग्राफिक एंड द क्लाइमेट कंडीशन आल्सो अफेक्ट द फर्टिलाइजेशन। टोपोग्राफिक मीन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एरिया, या किसी भी सॉइल की जो कंडीशंस होते हैं, जियोग्राफिक कंडीशन या क्लाइमेट कंडीशन, ये भी मैटर करती हैं, ये भी इफेक्ट करती हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉसिल बनता कैसे है। ये तीन तरह से बनता है, एक तो ओरिजिनल सॉफ्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर ओरिजिनल हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर अल्टर्ड हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वन बाई वन हम सबको देखेंगे। Original soft part of organisms. Organisms are fossilized but under exceptionally favorable conditions. इनके soft part जो होते हैं जैसे कि meat वगैरह, ये भी fossilize किए जा सकते हैं, या invertebrate organisms जो होते हैं उनके भी soft part होते हैं, लेकिन इनको special conditions के अंदर preserve करना पड़ता है। Even soft part of organism preserved in a medium that protect them from the bacterial decay. इनको bacterial decay से बचाने के लिए इनको preserve किया जाता है ताकि इनके fossils बन सकें। फॉर एग्जाम्पल आइस, एम्बर और ऑयल सैचुरेटेड आइस, ये वो मीडियम है जिनके अंदर इनको प्रिजर्व किया जाता है। आइस की अगर हम बात करें, द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल प्रिजर्व इन आइस इज वुली मैमोथ ऑफ साइबेरिया एंड अलास्का। मैमोथ एक एलिफेंट लाइक एनिमल्स है जो कि 2300 ईयर्स अगो इसको एक मर गया ड्यू टू ग्लेशिएशन। द फर्स्ट सच फाइंड वॉज रिपोर्टेड इन 1779। The ice preservation is so perfect. ये मैमोथ जो कि एक एलिफेंट लाइक एनिमल है 23,000 years ago जिसको आइस में प्रिजर्व किया गया है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, फ्रोजन मैमोथ इन आइस। ये एक ह्यूज एलिफेंट लाइक एनिमल है जो कि आइस में प्रिजर्व किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं एम्बर्स। एम्बर्स इज द नेचुरल ट्री रेजिन। ये ट्रीज दरख्त से निकलने वाले एक रेजिन टाइप होते हैं एंड मटेरियल्स होते हैं जो कि दरख्त से एक्सक्रीट होते हैं। समटाइम दिस सैप स्ट्रॉन्ग्स एंड इंसेक्ट्स प्रिजर्व इट विद परफेक्ट डिटेल्स एंड लुक लाइक स्टोन। इसमें बहुत से अक्सर इंसेक्ट्स प्रिजर्व किए जाते हैं और एक स्टोन की तरह ये लगते हैं। इट मे ट्रैप
फॉरन ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड द इंक्लूजन, ये फॉरन ऑब्जेक्ट्स को अगर अपने अंदर ट्रैक कर ले, अट्रैक्ट कर ले या अपने अंदर खंसा ले, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूजन। तो देख सकते हैं एन आंट इन साइड द एम्बर, एम्बर के अंदर ये आंट प्रिजर्व की गई है, वुड रेजिन सोर्स ऑफ एम्बर एंड इन स्नेक इंक्लूजन, एक स्नेक को एम्बर के अंदर प्रिजर्व किया गया है। सो ये एक स्मॉल स्नेक है जो कि एम्बर में ट्रैप्ड है। उसके बाद देखते हैं ओरिजिनल हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव सम हार्ड पार्ट्स, द कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट इज द मोस्ट अबंडेंट ओरिजिनल स्केलेटल मटेरियल फाउंड इन द फॉसिल्स, ये फॉसिल्स के अंदर स्केलेटल मटेरियल जो कि पाया जाता है। एंड एरागोनाइट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, इज प्रिजर्व्ड इन द शेल्स ऑफ सम कोरल्स एंड मोलस्क। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज केमिकली रेजिस्टेंस मिनरल फाउंड अनअल्टर्ड इन वर्टिब्रेट बोन्स, सम आर्थ्रोपोड्स एंड ब्रैचियोपोड्स, ये भी एक मिनरल है जो कि वर्टिब्रेट बोन्स या फिर आर्थ्रोपोड या फिर ब्रैचियोपोड्स, फाइलम ब्रैचियोपोडा के ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाता है। पॉल इज अमॉर्फस विच हैज नो प्रॉपर शेप एंड इज प्रिजर्व्ड इन सम प्रोटोजोन एंड स्पॉन्जेस, एंड द काइटन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल एक्शन एंड इज नॉट रेडिली ऑल्टर। तो काइटन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फंगस की सेल वॉल का, या फिर अगर हम देखें तो एग्जोस्केलेटन जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो भी काइटन से बना होता है। सो दीज आर द ओरिजिनल हार्ड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये कैल्साइट है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि स्केलेटन में प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखते हैं ऑल्टर्ड हार्ड पार्ट्स, द ओरिजिनल हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल्टर्ड हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज कार्बोनाइजेशन और डिस्टिलेशन, परमिनरलाइजेशन और पेट्रिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट और मिनरलाइजेशन, ये तीन प्रोसेस हैं जो के जिनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहले कार्बोनाइजेशन ऑफ डिस्टिलेशन, द टाइप ऑफ फॉसिल इन विच ओनली द कार्बन रिमेन्स इन द स्पेसिमन, वोलेटाइल एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक मैटर्स डिस्टिल अवे, इसमें सिर्फ जो कार्बन होता है वो रह जाते हैं, बाकी जो वोलेटाइल एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिल्ड हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। थिन कार्बन फिल्म एज द ओनली फॉसिल रिकॉर्ड, जो फॉसिल पीछे बचती है वो एक थिन कार्बन फिल्म ही होती है, कार्बन स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जो कि पीछे रह जाते हैं रिमेन्स, स्पेशली कार्बन कॉपीज ऑफ लीव्स, द फ्लैश ऑफ फिश, ऑर्गेनिज्म बिकम ट्रैप एंड स्क्वीज देन फ्रॉम कंप्रेशन, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, स्क्वीज देन फ्रॉम कंप्रेशन। फॉसिल्स ऑफ लीव्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑफन फाउंड बाई कंप्रेशन, जो फॉसिल्स होते हैं लीव्स की और इंसेक्ट्स की वो कंप्रेशन के जरिए ही अक्सर बनती हैं। द ऑर्गेनिक मैटर में भी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग डिके एंड रॉक फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिके या फिर रॉक फॉर्मेशन के दौरान ही ये ऑल्टर होता है। द डिस्टिलेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स एंड द पोलीमराइजेशन, द थिन डार्क फिल्म इज मेड ऑफ स्टेबल पोलीमराइज्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स, दिस इज द कार्बोनाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, इसमें कोन एंड नीडल कंप्रेशन, फिश कंप्रेशन, लीफ एंड सीड कंप्रेशन, इसमें सिर्फ कार्बन के रिमेन्स ही रह जाते हैं, बाकी वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल डिस्टिल्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परमिनरलाइजेशन ऑफ पेट्रिफिकेशन, परमिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन इन विच मिनरल डिपॉजिट्स फ्रॉम इंटरनल कास्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन दैट अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज बरीड एंड एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड विद मिनरल रिच ग्राउंड वाटर, मिनरल प्रेसिपिटेट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर ऑक्यूपाइंग द एम्प्टी स्पेसेस, this process can occur in very small space, for mineralization organism must become covered by sediment, the permineralization is a process very slow, water seeps through the sediments that covers an organism, so permineralization is a process jisme fossilization us waqt hoti hai jab organism buried ho jata hai aur isme iske andar jo empty spaces hoti hain wo minerals jo hote hain wo aake fill kar dete hain, जो मिनरल्स होते हैं जो उसके सेडिमेंट्री रॉक से या उसके गिर्द वाटर होता है वहाँ से आके मिनरल सीप कर जाते हैं, उनके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वो फिल हो जाते हैं उन मिनरल के जरिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ परमिनरलाइजेशन। एंड पेट्रीफाइड फॉसिल्स कंटेन प्राइमरी सिलिका, अंडरगो सिलिफिकेशन, सिलिफिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें सिलिका ऐड हो जाता है उसमें, व्हेन सल्फर इज इन्वॉल्व द प्रोसेस इज कॉल्ड pyritization, and the pyritization happens most commonly to marine organisms.
सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ परमिनरलाइजेशन, जिसमें जो कैविटीज होती हैं, जो स्पेसेस होते हैं, वो मिनरल के जरिए फिल हो जाती हैं. सो दिस इज द एग्जांपल और पिक्चर ऑफ परमिनरलाइजेशन और पेट्रिफिकेशन, इसमें तमाम कैविटीज जो स्पेसेस होती हैं वो सराउंडिंग मिनरल्स, जो कि सिलिका भी हो सकता है या फिर सल्फर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनके जरिए आके ये फिल हो जाती हैं. द नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट और मिनरलाइजेशन. रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर dissolves the original hard parts and replaces them with mineral matter. Replacement उस वक्त होती है जब पानी जो होता है original उसके जो hard part होते हैं उनको dissolve कर देता है और उनको minerals से replace कर देता है. Bone, shell and wood are often well preserved in this manner. The most common replacement minerals are calcite, silica, pyrite, hematite, aragonite. ये वो मिनरल्स हैं जो कि उसके ऑर्गेनिक या ओरिजिनल पार्ट्स को डिसॉल्व करके उसकी जगह ये ले लेते हैं या उनको रिप्लेस कर देते हैं. दिस इज द प्रोसेस. दिस अकर्स व्हेन स्केलेटल मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स एंड बाय सम न्यू एलियन मटेरियल्स. प्रोसेस अकर ग्रेजुअली सिलिफिकेशन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज रिप्लेस्ड बाय सिलिका एंड पायराइटाइजेशन व्हेन पायराइट रिप्लेस कैल्शियम कार्बोनेट. मिनरल्स कैन रिप्लेस बोन, शेल, वुड एंड इवन सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स. तो बोन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, शेल्स को भी, वुड को भी, और हत्या के सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको भी ये रिप्लेस करके उनकी जगह ले जाते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट और मिनरलाइजेशन. इट अकर्स व्हेन मिनरल प्रेसिपिटेट्स आउट ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड डिके. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट और मिनरलाइजेशन. सिलिसिफाइड रिप्लेस विद सिलिका, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस. इसमें सिलिका ने उस ऑर्गेनिक मटेरियल की जगह ले ली है, उसको रिप्लेस कर दिया है उसमें. तो दिस इज द सिलिसिफाइड और सिलिफिकेशन और द रिप्लेसमेंट और मिनरलाइजेशन. सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट फॉसिलाइजेशन एंड देयर कंडीशंस एंड द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.